दिया ना भाई, क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा एक कदम पीछे पीछे हो, तू एक्शन बोलियो फिर मैं करूंगा। ठीक है, स्टैंड बाय रोलिंग। यस। क्यों? अबे लेकिन यार अगर तू मोबाइल से वीडियो बनाएगा तो एक्टिंग कौन करेगा? हाँ यार मैं यही सोच रहा था यार। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे पागल बा, अब को मोबाइल दे। क्या हो रहा है? अरे अब्बा वीडियो बनानी है। आप कैसी वीडियो, किसी की वीडियो आई है? अरे अब्बा छोड़ो यार, रिकॉर्ड पे डाल के ना एक्शन बोल देना। ठीक है, एक्शन। एक्सक्यूज मी जी भाई, मुझे चप्पल पहना देंगे? क्यों, आपके हाथ नहीं है क्या? अरे अब्बा ये टिकटॉक बना रहे थे ना हम लोग, आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। अरे मोरू मोरू निकलो, अरे मोरू मोरू निकलो, बच्चे बच्चे के अंदर नहीं है। जब बचपन से हाथ नहीं है तो आज तीन वाली शर्ट और जैकेट पहनने क्यों रहे? चप्पल पहनने के लिए तुम्हें दूसरे आदमी की मदद की क्या जरूरत है? अश्वथ अंकल, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस क्या जरूरत है पैसों की? अरे नहीं अश्वथ अंकल, मुझे असल में पासपोर्ट और NIC बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे दिमाग खराब हो गया, भिखारियों से कौन शनाख्ती कार्ड मांगता है? जाके किसी मजारा बैठिया को उठाए तो मेरा नाम ले देना। क्या हो गया अश्वथ अंकल, मुझे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के लिए अच्छा जरूरत है पैसों की। अबे मैंने तुझे बोल दिया निकल तो निकलना, अभी मेरा हाथ बने वरना तुझे बहुत बता दो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुके रुके रुके, मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है। अरे भाई प्राइस बॉन्ड से क्या होता है, और बताओ जरा प्राइस बॉन्ड दिखा के हमसे कैश मांग रहा है। खोलो जरा, खोलो प्राइस बॉन्ड, खोलो जरा, खोलो जरा, हां खोलो। ये क्या कर रहे हैं? अरे असल में भाई इंटरनेट पे स्कैन करके चेक कर रहा हूं, प्राइस बॉन्ड असली है नकली? भिखारियों के पास असली प्राइस बॉन्ड कहां से आ सकता है? ठीक है तो क्या आप मुझे वाकई में पैसे दे रहे हैं? अरे निकलो भाई यहां से, कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें। अश्वथ अंकल आप मुझे धुतकार रहे हैं। चलो जाओ इधर से, हर कोई यहां से चलो। क्या हो गया आपका, क्या मसला भाई, आप क्यों मदासलत कर रहे हैं? अश्वथ चाचा ये महागलत क्या होता है? अब आबा सुल्तान, आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इंतहा गलत बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। तुमने मेरे को ये समझा है? अश्वथ चाचा अभी हम इसके साथ क्या करें? अरे ढूंढ के उसे मारो, भाई ने क्यों दिया, जाओ जल्दी उसके पीछे। मेरे काम तो कर दो। अब क्या काम करना, क्या काम करना? भैया डरा क्यों रहे भाई, मेरी सिर्फ खोल दो यार। नीचे की थोड़ी ऊपर की यार, क्या कर रहे हैं? ये बताओ जरा, ये हाथ अंदर करके सिर्फ ऊपर करने का आइडिया किसका था? लाला का। बेटा दोबारा ये गलती मत करना लाला के साथ, वरना मेरे पास रोते हुए आओगे लाला ने ये कर दिया लाला ने वो कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सेल्फ डिफेंस इंसान की अपनी चॉइस होती है। वैसे अब वो क्या कर सकता है? ये मासूम बच्चे तू क्यों नहीं समझ रहा, क्यों नहीं समझ रहा तू? लो फिर किसी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया। क्या हो गया आपको भाई, मैं हूँ। अरे क्यों रो रहा है? मुझे लाला ने मारा है। क्यों पिटवा दिया तुझे? अरे मैं गया था अश्वथ अंकल के पास कि मुझे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, पैसे तो दिए नहीं उन्होंने, उल्टा मुझे लाला से पिटवा दिया। हशु को तो ना खुदा का खौफ ही खत्म हो गया, मजलूम की बदवा से भी नहीं डर रहा है वो। अरे 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 सब खैर तो है, आप दोनों सुबह सुबह क्यों खड़े हैं? इसे है ना लाला ने मारा है। लाला ने मगर क्यों? इसने है ना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए उनसे पैसे मांगे, तुम्हारे बाप ने इसे पिटवा दिया उससे लाला से। सुल्तान साहब कितने पैसे चाहिए आपको? जी मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? लो मैं देता हूँ। फिरोज क्या कर रहे हो? अरे बेगम जरूरतमंद की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं जरूरतमंद की आज मदद नहीं करूँगा तो फिर मैं कब करूँगा? कितने पैसे चाहिए आपको? कोई पूरी दुनिया में तुम ही रह गए जरूरतमंद और मोहताजों की मदद करने में। एक मिनट आप गलत समझ रही हैं, मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है जो मैं बतौर जमानत रखवाना चाहता हूँ। लो अब तो जमानत भी आ गई, बात ही खत्म हो गई। फिर भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे बेगम आप एक चुप करें ना यार। अरे एक मिनट यार, ये अरे बस हो गया ना, हो गया, आपने गिन तो लिया ना? जी 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 बिल्कुल पूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका तहेहात शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे बच्चे बीवी सब आपको दुआएं देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। सुल्तान साहब ये शर्मिंदा क्या? अरे फिरोज तूने इतना बड़ा नेकी का काम किया ना, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा तरसी नहीं जाग रही तुम्हारे अंदर? बेगम देखिए मुश्किल के वक्त किसी जरूरतमंद की मदद करने के एहसास को आप कैसे समझ सकती है? मुझे समझना भी नहीं है, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि पैसे नहीं दो तो क्यों निकाल कर दिए? देखिए बेगम देखिए आप समझने की कोशिश करें, देखिए हम एक तरह से देखा जाए तो नुकसान में अब भी नहीं जा रहे। 40,000 का प्राइस बॉन्ड उसने मुझे दिया है, मैंने सिर्फ उसको 10,000 रुपए दिए, 30,000 का अब भी हमें प्रॉफिट है, सोचे तो। मुझे फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कही हुई बात पूरी करनी होती है, तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? ठीक है
गलती होगी, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा। अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस चले जाऊं। जाओ। अगर मेरे पीछे हाथ बंधे होंगे ना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, अरे अब्बा ये बोल ले दोबारा वही टिकटॉक बनाने वाला खेलते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उल्टा सीधा वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ गए, टिकटॉकर बनोगे तुम लोग? तुम लोगों को अंदाजा है क्या हुआ है? क्या क्या? अरे भाई सुल्तान के प्राइस बोर्ड में मैंने इंटरनेट पे चेक किया, 8 करोड़ का इनाम निकला है। 8 करोड़? ये 8 करोड़ इस जगह पे आ जाएगा इतना? अरे उठो भाई, तुम्हारा कौन सा इनाम लगा है? सुल्तान का नाम लगा है 8 करोड़ का? ये बेहोश हो गए बेवकूफ कहीं के। अरे किसी का भी निकला है, निकला तो है ना 8 करोड़। अरे भाई अब ये बताओ कि किस तरह सुल्तान को दोबारा घेरना है उससे बैट बॉल खरीदने के लिए? अरे अब्बा हमने उसको इतना मारा पीटा वो कद्दू देगा। अरे यही तो तुम्हारा इम्तिहान है कि किस तरह उसको घेरना है। जाओ जाके बोलो अब्बा बुला। जाओ अरे आ जा सुल्तान। सुल्तान अब क्या लंबी उम्र है भाई, और माशाल्लाह हाइट भी लंबी हो गई। Nope. क्या हो गया आपको भाई? मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, क्या हो गया? मैंने नोटिस नहीं किया। खैर सुल्तान, बच्चों ने मुझे समझाया, मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ है। शहरी और लाला ने कहा कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो आपको कितने पैसे चाहिए? लाइए प्राइस बोर्ड निकालिए। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम तो नाराज ही हो गए भाई, मजाक कर रहे थे हम लोग। लाला ने भी प्यार से मारा था तुम्हें, और लाला की मार भाई की मार है, मुसलमान मुसलमान भाई होते। ठीक है निकालो भाई निकालो। अरे मैंने वो प्राइस बोर्ड फिरोज को देकर उससे रकम ले ली है, मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या किया तुमने बेवकूफ आदमी, थोड़ी देर तुमसे सबर नहीं हो सकता था? बताओ जरा, ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तुझसे आधा घंटा सबर नहीं हुआ और जाके फौरन फिरोज को भेज दिया। मेरी चीज थी, मैं बेचूं फिरोज को या नहीं बेचूं मेरी मर्जी, मेरा माल है। क्या हो गया आपको? अलग का बेवकूफा का खुदा यदि घर का जखन छे तुम्हारे को पता है उसमें 8। एक मिनट, 8 क्या? 8 अब संभालो। 8,000 रुपए का इनाम निकला है उसमें। बेवकूफ आदमी आप, 8,000 रुपए का इनाम कैसे निकल सकता है? 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड था वो। अरे कितने का प्राइस बॉन्ड था, कितने का इनाम था, सारी भैंस से क्या फायदा? प्राइस बॉन्ड तुम्हारे पास सही नहीं, निकलो यहाँ से निकलो। माँ के बारे में तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। माँ को लेकर ज्यादा ही कैसी हो गया। खैर अब हमें फिरोज से वापस खरीदना प्राइस बॉन्ड, और इस काम में तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। तो हमें क्या मिलेगा? अरे भाई तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। 80 लाख रुपए मिलेगा मारा को? ना खराब, 80 लाख क्यों मिलेगा भाई? 10% मिलेगा तो 80 लाख हो गया ना। नहीं 10% नहीं मिलेगा, 1% मिलेगा, उसको आधा आधा कर लेना। आधा आधा नहीं चाहिए भाई, आप पहले बोल दिए। अरे भाई 8 करोड़ का आधा परसेंट 4 लाख होता है, 4 लाख तुम्हारा 4 लाख इसका, क्या बोलते हो? 2 लाख 4 लाख हाँ हाँ यही हिसाब ऐसे ही। 4 लाख का आधा करना नहीं आ रहा। क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे मेरा बेटा है, मैं नहीं, पहले आप मुझे बताएं आपको क्या काम है। अरे तो यार इसको कौन से बता रहे, फिरोज का इनाम मिलेगा? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी। आप बताओ ना फिरोज किधर है? नहीं जब तक आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे कि फिरोज को आप क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। आप ऑफिस नहीं गए क्या? अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने ऑनलाइन कैब मंगाई, मगर आप रो क्यों रहे हैं? वो मुझे मेरा प्राइस बॉन्ड वापस चाहिए। बॉन्ड वापस है? सब खैरियत तो है? बेबी बेबी मेरी बात क्या? बाबी बाबी हम आपको समझाते हैं। तुम क्या समझाओगे आप मुझे? आप अगर बता दोगे ना फेरोज कहाँ है तो 4 लाख इसको मिलेंगे, 4 लाख मेरे को मिलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि फिरोज को 8 करोड़ का इनाम मिला है। 8 करोड़? इसीलिए आप ढूंढना चाह रहे थे कि फिरोज कहाँ है? अरे नहीं नहीं बेटा, इनकी बातों में कहाँ यकीन करियो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम लोगों ने सुल्तान से 10,000 में खरीदा था ना, मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ प्राइस बॉन्ड मुझे दे दो। अच्छा आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा? अश्वत अंकल ने कहा है कि मैं पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच सकता हूँ। पापा ने वैसे ये बहुत बुरा कहा है आपसे, मगर आपकी माँ क्या जिंदा है? नहीं उनका इंतकाल हो चुका है। अरे जब इंतकाल हो गया तो इतनी बात, इस बात को सीरियस क्यों ले रहे हैं यार आप? लेकिन उन्होंने माँ वाली बात बहुत गलत कही है, मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई है। मेरा प्राइस बॉन्ड मुझे वापस कर दीजिए और अपनी रकम ले लीजिए। वैसे ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किरण भी बहुत नाराज हो रही थी। फिरोज को कॉल कर रही हूँ, उसको बताऊंगी। अरे फिरोज को बताना, नहीं मैं तो फिरोज को बताऊंगी।
हेलो हेलो फिरोज, वो प्राइस बॉन्ड है ना तुम्हारे पास? अरे जी जी बिल्कुल, प्राइस बॉन्ड मेरे पास ही है और सुल्तान मेरे सामने खड़े, मैं उनको ये प्राइस बॉन्ड वापस करने लगा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे बेगम, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके बिना इजाजत के कोई भी काम नहीं करूंगा। ये लीजिए, मैंने सुल्तान को प्राइस बॉन्ड भेज दिया। अरे बेवकूफ, उस पर हमारा 8 करोड़ का इनाम निकला था। क्या 8 करोड़? क्या हुआ, क्या हुआ? उस बेवकूफ ने वो प्राइस बॉन्ड वापस सुल्तान को भेज दिया। यार शिट। अबे यार, हमारा 4 लाख रुपए चला गया। 8 करोड़। आपने बोला मारो इसको। एक मिनट भाई, हमारी औलाद है, हम मारेंगे इसको। छोड़ो इसको, मारो, इधर लो इसको सेंटर में। इसकी ऐसी की तैसी। अले बोरो बड़ी क्लब, अले बोरो बड़ी क्लब। छिछंदरों की तरह सड़क पे लड़ रहे हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है बेवकूफ आदमी की, तुमने गाड़ी खरीद ली, कपड़े क्यों नहीं खरीदे? वो इतनी जल्दी प्राइस बॉन्ड कैश कैसे हो गया? अरे वो मैं गया था ना प्राइस बॉन्ड कैश करवाने के लिए, वहाँ मुझे एक आदमी मिल गया। उसने मुझे कहा कि 8 की जगह 8.25 करोड़ रुपए मुझसे ले लीजिए और मुझे ये गाड़ी भी दे दी। बताओ सारा, किसी का ब्लैक मनी व्हाइट करके आ रहा है, एफबीआर वाले पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा तुम्हारा? हैं? मैं बचाऊंगा तुम्हें और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ये बताइए कि रुकैया खाला कहाँ है? हमारी तरह दिमाग खराब कर रही थी, मार के गाड़ दिया सामने। हैं? अरे मजाक कर रहे हैं भाई, ऊपर है, जाओ जाके मिल लो उससे। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आता हूँ उनसे। उसकी गाली देख के तुम पे गुस्सा आ रहा है, मार इसको यार दोबारा। मुझे पक्का यकीन था तेरे पास दौलत लौट कर एक दिन जरूर आएगी। मेरे नेक अमाल की वजह से ना? आए नहीं नहीं, तेरे चौड़े माथे की वजह से। मैंने ये सुना है कि जिसका माथा चौड़ा होता है ना, वो बहुत दौलतमंद होता है, कभी गरीब नहीं रहता। अरे भाई आप लोग यहाँ बैठे हैं सुल्तान, है भाई, पूरे घर में हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्यों, अब क्यों ढूंढ रहे थे? अरे असल में लाला से आपका तारुफ कराना था। लाला इनसे मिलिए, ये है इस घर के दामाद मिस्टर सुल्तान। अच्छा माशाल्लाह, दामाद, आपकी तो कोई बेटी नहीं थी? Nope. अरे किस तरह की बातें कर रहे हो भाई, उसमें सौतेली है तो क्या हुआ, है तो मेरी बेटी। वैसे भी तुम मेरे फेवरेट आदमी हो सुल्तान। फेवरेट आदमी के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? देखो इंसान के पास जब पैसा होता है ना, तो लोग मक्खियों की तरह उसके एक एक बनाते हैं, और जब वो कंगला हो जाता है तो कूड़े के ढेर में फेंक के चले जाते हैं। तो मैं बस तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा था, तुम्हारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि भाई कोई तुम्हें धुतकारे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्या वाकई में आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ सोचता हूँ, इसलिए इन सारी फालतू बातों को भूल जा। नहीं नहीं हर्षू, अगर सुल्तान भूलना भी चाहेगा ना, तो मैं इसे भूलने नहीं दूंगी। क्या भूलने नहीं दूंगी? सैलानी से खाना खिलवा रहे थे घर में, खाना होते हुए भी है लाला से पिटवाया, कैसे धुतकार रहे थे, जलील कर रहे थे जब इसके पास पैसे नहीं थे। आए सुल्तान, रुकैया की बातों को इग्नोर करो, औरतों को तो काम ही फसाद करना होता है। नहीं नहीं मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, चले मामा। कहाँ लेके जा रहे भाई? आज से मामा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, पैसे ही आते ही फौरन रुकैया खाला से मामा। अरे भाई मामा बोलो या रुकैया खाला, लेकिन बेटा रहोगे कहाँ? बताओ जरा, कपड़ों से पहले तुमने गाड़ी खरीद ली, अब रुकैया को लेके क्या गाड़ी में रहोगे? मेरे ख्याल में जब तक रिहाइश वगैरह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, और वैसे भी इसका पैसा जायदाद संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे एक आदमी की जरूरत है। मैं आप एक काम करें लाला, आप मेरे लिए काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, जान खेल के भी करेगा लेकिन पैसा देगा। एक मिनट, आसिंग के साथ फौरन काम करने के लिए तैयार हो गए, पूछ तो लो काम क्या है। हाँ वैसे काम क्या है? नहीं नहीं नहीं, हम ये गंदा काम नहीं करेगा। क्या हो गया अश्वथ अंकल, आपने क्या बोल दिया उसको? अरे मैंने तो उसे इतना कहा कि काम की नौयत मालूम कर लो, ये अपनी तरफ से फालतू बकवास कर रहा है। खैर छोड़ो, इसको इग्नोर करो। सुल्तान बेटा, तुम्हारी जायदाद संभालने के लिए किसी को तो होना चाहिए, तो तुम्हारे बुजुर्ग के तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जायदाद दौलत वगैरह सब संभाल लूंगा, तुम किसी चीज की परवाह मत करो। आप क्यों संभालेंगे? उस्मा आ रही है यहाँ पर, वो संभालेगी। उस्मा आ रही है क्या? मैं उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही उससे मेरा रब्ता हो जाएगा वो फौरन आ जाएगी।
उसमें का नाम नहीं ले, अपनी गंदी जबान से बता रहा हूँ। अशु ये क्यों उछल रहा है, बासी कड़ी में क्यों उबाल आ रहा है भाई, इसे संभालो। अच्छा पैसे आते ही फौरन उज़्मा याद आ रहा है, इससे पहले तुझे उज़्मा याद नहीं आ रही थी? कैसे खा रही होगी, कैसे पी रही होगी, कैसे सो रही होगी बिचारी, कैसे आ जा रही होगी। अबे तू तो बहुत ही कोई बगैरत आदमी है भाई। क्या हो गया भाई आपको, वो मेरी बीवी है, मैं जब चाहे उसको याद करूं जब चाहे नहीं करूं। अब्बा समझा लो ये मुझसे ज्यादा ज्यादा, मैं बता रहा हूं उसे। ठीक है यार रुक जा, तुम सुल्तान के साथ बैठ के डिस्कस करो, मैं शेरी को समझाता हूं। शेरी आओ आओ, तुम आओ आओ, और तुम काम का पता कर लो, काम क्या करना। लाला ये बताएं कि आप कपड़े धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं, अब क्या करें इसका? मैं अपना नौकरी पक्का समझूं? अरे क्या करेगा इसे ले जाके कि अपने चौड़े माथे पे मारेगा। अब मैं सुल्तान को नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं नहीं छोडूंगा। मेरा बेटा रिलैक्स रिलैक्स, सुल्तान अब आम आदमी नहीं रहा बेटा। हां तो आम आदमी नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा मुझे बताओ। उसका पैसा आ गया बेटा, वो सड़क का फकीर थोड़ी है वो। तो पैसा आ गया तो क्या कर लेगा, कुछ भी कर लेगा क्या वो? हां बेटा कुछ भी कर लेगा, कुछ भी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। इवन ये कि पुलिस मोबाइल वालों को 2000 रुपए देके बोले ना तुम्हें एक घंटा मारो तो वो 2 घंटा मारेंगे तुम्हें। ठीक बात कही, आज पहली बार मैं और किरण एक बात में मुत्तफिक है। इधर आओ तुम सेंटर में आओ, मैं तो बोलता हूँ शरीर तुम भी मारो इसको। मैं क्या करूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी किसी को मारना है, कोई चीज नहीं है तो मैं इसको मारूँ ना। अरे मार रही है ना, उस्मा 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 आ रही है। क्या कहा, बहुत बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे, हैं तुम्हें तो मैं बताती हूं, बचपन की यादें वापस आ रही हैं। इधर से मारो, बचपन निकालती हूं, रुको। अब्बा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं किस पे निकालूं यार। ले ले हां क्या, नहीं नहीं मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं ये झूठा है, झूठा प्लान है, ये झूठा प्लान है। इसके बाद क्या करना ये नहीं बताया तुमने, आगे बताओ। हवा चल रही है, कितनी ठंड हो रही है, मैं ऐसा करूंगी मेरा एक दुपट्टा है मोटा सा, उसका तेरा कुर्ता सी दूंगा। अरे लड़की ऐसा क्या हो गया जो डंडा लेके मियां के पीछे पीछे आ गई, आप बीच में बताइए वरना आप भी पड़ जाएंगी। अरे चल ले लड़के इधर आ, मुझे भी मार देगी। क्या हुआ बीबी, बीबी क्या हुआ? अरे यार यहाँ तो सबके चेहरों पे हंसी और खुशी है, इनको कैसे मैं गम की खबर सुना दूं? तो बताना तो पड़ेगा बेटा। अरे नहीं बेटा मेरा दिल कमजोर पड़ रहा है। अरे अब्बा अपना दिल को चौड़ा करें और बता दे। अरे मेरा दिल तो बड़ा है, इनका दिल छोटा हो जाएगा बेटा। ठीक है आपने बता, मैं बता दूं। नहीं नहीं मैं बता दूं, मैं बता दूं। दरअसल जो है ना बाहर के मुल्क से बुरी खबर आई है। अशु बता दे, मेरा दिल बहुत मजबूत है। अरे तुम्हारा दिल तो मजबूत है लेकिन सुल्तान का दिल ना कमजोर पड़ जाए। हैं क्या उस्मा नहीं रही? अरे उस्मा तो है बेटा, उस्मा की जिंदगी में तुम नहीं रहे। क्या मतलब? हाँ उस्मा ने माइकल जॉर्डन नामी फुटबॉलर से शादी कर ली है। उस्मा मेरी बीवी है। अरे भाई मेरी बहनों से बात हुई थी, ऑस्ट्रेलियन कानून के मुताबिक 8-9 महीने तक अगर कोई शख्स रास्ते में ना आए तो उसे मुर्दा डिक्लेयर कर देते। इस कानून के बाद उस्मा बेवा थी, अब या तो बेबी की चादर ओढ़नी थी या माइकल जॉर्डन की पनाह में चली जाती, वो माइकल जॉर्डन की पनाह में चली गई। उन्होंने शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? रुकैया तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, जब माँ दो शादियाँ करेगी तो बेटी भी दो शादियाँ करेगी। अरे क्या हो गया, मैं तो बेवा हो गई थी। जिस तरह की तुम्हारी हरकत है मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा शोर भी कहीं आगे छुप गया होगा और हम भज्जा बिला वजह। मुझे तो लगता है ये इसमें मिली हुई है। रुकैया मिली हुई हो तुम? अरे क्या हो गया, अरे हशु खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता लिपे। क्यों आपकी तो उसमें से बात होती थी, फिर उसने आपको कैसे नहीं बताया? अरे लड़की ये लकड़ी तो हटा ले, नचा नचा के पूछ रही है, बिला वजह मेरे पे मोहताज लगा रही है, ईमान से मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरी बात ये उस्मा लोग तो कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलियन कानून के हिसाब से क्यों बेवा डिक्लेयर हो गई? घबराहट में मेरे मुंह से ना वो कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया निकल गया। असल में तुम गुस्से में थी ना, और गम और घबराहट मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया मुझे समझ में। उस्मा ने काले से शादी कर ली। मैंने पहले भी काले से शादी की थी। क्या ये आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं। अबे बगलो, अब्बा तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है, काला गोरा यार क्या हो गया, शर्मानी चाहिए आपको। शर्मानी चाहिए शेरी आपको, आज सुल्तान लोकल काला है, वो इंटरनेशनल काला है, इसकी हाइट छोटी है, उसकी हाइट लंबी है, इसके पास अभी पैसे है, उसके पास खानदानी पैसा है। यार पापा बात तो वही की वही रही है। के माहौल को दूर करने का भी एक ही रास्ता है। कैसे? सुल्तान की दूसरी शादी। दूसरी शादी? अरे शेरी बेटा तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों?
अरे भाई क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठकर? मैं जा रहा हूँ बस। कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? एडी सेंटर चले आऊंगा। दिमाग खराब हो गया? एडी सेंटर वाले मुफ्त खाना पीना थोड़ी देते, गधा मजदूरी कराते हैं पूरा दिन। क्या मुफ्त खाना नहीं खिलाते? अरे ये तो हम है जो तुम्हें मुफ्त खाना खिला खिला के पाल रहे हैं। और ये बताओ घर छोड़कर जा क्यों रहे हो? सुल्तान की दूसरी शादी करा रहा हूँ, मेरी एक भी नहीं कराई। अरे बेटा सुल्तान के पास 8 करोड़ रुपए हैं, 8 करोड़। तुम्हारे पास 8 खोटे सिक्के नहीं है? मेरे पास 7 है। 7 करोड़? अरे नहीं भाई, 7 सिक्के यार। अरे भाई कितने वाले सिक्के? 5 वाले। 7×5 35 रुपए में कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? जो ईमानदार होगी ना और जो इज्जत वाली होगी, जो शरीफ होगी ना, वो मुझसे करेगी। बेटा 35 रुपए में जो लड़की आपसे शादी कर रही है ना, मैं तो कहता हूँ आज ही कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। आप भी कराओगे? अरे बेटा मैं कराऊंगा ना कराऊंगा। बस एक बार ये मुल्क से IMF का कर्जा उतर जाए, फिर करा दूंगा। IMF का कर्जा? अभी क्या पागल हो गए लोग यार? मैं अंदाजा है सिर्फ तुम्हारे ऊपर 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा है। मेरे ऊपर? हाँ, तुम्हारे नाम से हुकूमत ने लिया है। मुझे तो बताया नहीं। हाँ बताते थोड़ी है, तुम्हें पता है मेरे नाम से 15-20 लाख का लिया हुआ है। और टेंशन है कैसे उतरेगा समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे आपसे काम था। मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। जी फरमाइए। किरण बता रही है कि पापा आपकी दूसरी शादी करा रहे हैं, क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल सच है, और यहाँ तक के हशमत अंकल ने 50 लाख रुपए मेरी शादी में खैर और बरकत के लिए मस्जिद में दे दिए। क्या मतलब पापा ने दे? मतलब आप उन्हें 50 लाख रुपए खुद मस्जिद में दिए या पापा के हाथ में दिए? नहीं नहीं, मैंने हशमत अंकल के हाथ में दिए। कमाल करते हैं, मतलब आपने पापा के हाथ में पैसे दे दिए। अरे आपको खुद अपने हाथों से पैसे देने चाहिए थे यार। क्या हो गया भाई आपको? देखे खैर और बरकत के काम में शक नहीं करना चाहिए। क्यों बदगुमानी कर रहे हैं मेरे दिल में? क्यों बदगुमानी डाल रहे हैं हशमत अंकल जैसी महान शख्सियत के बारे में? अच्छा चले खैर, वो तो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उस लड़की को देखा है? नहीं मैंने देखा तो नहीं है उस लड़की को। वाह, लड़की देखी नहीं और हाँ कह दी, कैसे? अरे वो असल में वो लड़की जो है मशरकी लड़की है। अश्वत अंकल ने मुझे कहा है कि वो शादी से पहले अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहती है। फिर भी आपको एक बरादराना मशवरा है कि एक बार आप उस लड़की से मिल लें। नहीं नहीं नहीं, मुझे अश्वत अंकल पर पूरा भरोसा है, वो मेरे वालिद की जगह पर है, मुझे उन पर पूरा एतमाद है। वालिद, उन्होंने आज तक अपने बेटे शहरी की तो शादी करवाई नहीं, आपकी क्यों करवा रहे? देखिए बात असल में ये है कि देखिए शहरी जो है ना, उसके पास ना तो कोई माल दौलत है ना पैसा रुपया है, और मेरे पीछे तो आपको पता है लड़कियों की लाइन लगी हुई है। इसमें भी कमाल आपका नहीं है, पैसे का हुआ यार। मगर खैर देखिए सुल्तान साहब, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। भाई देखिए आप अश्वत अंकल के खिलाफ मेरे दिल में बदगुमानी बिल्कुल भी नहीं डाले। अरे एक बार बैठे तो आप नाराज क्यों रहे यार? आप भी तो मुझसे कुछ पूछने वाले थे, वो क्या बात? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। असल में मैं आपसे ये पूछने वाला था कि यहाँ पर कोई मेल ब्यूटी पार्लर है तो उसका पता बताइए। मेल ब्यूटी पार्लर? पर किस लिए? अरे वो आज शाम में मेरी शादी है, मुझे असल में तैयार होना है। आज शाम में? मतलब आज शाम को आपकी शादी है? अरे हाँ मेरी शादी है, अगर पार्लर का पता है तो बताइए। नहीं मुझे पार्लर का। अच्छा ठीक है, फिर आज शाम में मेरी शादी में जरूर शिरकत कीजिएगा। जी जरूर। हाँ मसा टाइम जाया कर रहे हैं, पता पता है नहीं, दिमाग की दही बना दी इस आदमी ने। अजीब बेवकूफ किस्म का आदमी है, हशमत अंकल ने इसको कितना चूना लगाया फिर उनकी बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बेगम वो सब कुछ तो ठीक है, मगर ये आपकी जबान से ये चूना पान गुटखा ये यार आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता। आप तो कम से कम अपनी क्लास मेंटेन रखें यार। शट अप, मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्या हो गया, यहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अबे मैं सोच रहा हूँ ये 2.5 लाख रुपए का कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, मेरे सर में दर्द हो गया सोच सोच के यार। हाँ है तो परेशानी वाली बात। एक और बात सोचिए कभी। क्या ये ट्रैफिक पुलिस वाले छुपके क्यों खड़े होते हैं? डकैत है? नहीं नहीं, माइंडसेट डकैतों वाला है। अच्छा, मतलब? मतलब ये कि लूटने के लिए। बताओ जरा, हमारे चलान के पैसों से मुल्क चला रहे। अरे यार भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ सुल्तान की शादी कब है? शाम को। आज शाम को? मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ दावत बेटा, आइए टाउन का इंतजाम है, खाना खाइए, खुश होइए। शादी होने नहीं दूंगा। क्या करोगे? ये मैं वक्त आने पे बताऊंगा। हाँ शरीफ बेटा कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, बता रहा हूँ मुझे, बता दो क्या करोगे। मैं जो भी करूंगा वो देख लेना, वक्त आने पे पता चल जाएगा। अरे शरीफ बेटा बेटा यार कहीं कुछ ठीक ना करे। चलो भाई सुल्तान की शादी का इंतजाम भी करना। हशमत अंकल हशमत अंकल। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया मजा आ गया। मेरा मतलब है कि इतनी खूबसूरत लग रही है दुल्हन, इतना नूर आया है चेहरे पे, माशाल्लाह। मैं भी देखूंगा। नहीं नहीं, निकाह के बाद उससे पहले शर्मा रही। मगर हशमत अंकल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आज ही निकाह और आज ही रुखसती। नहीं नहीं, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, आज निकाह तो होना, रुखसती 6 महीने बाद। क्या हो गया आपको, ये बात तो आपने मुझे पहले बताई नहीं थी। असल में ये मेंटली एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो 6 महीने लगेंगे इसे एडजस्ट करने में।
लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाई। अरे सुल्तान तू बहुत पछताएगा, एक माँ का दिल दुखा रहा है तू। किस माँ का? मुझ माँ का। बताओ जरा, उस्माने दूसरी शादी करी तब तुम्हारा दिल नहीं दुखा, सुल्तान दूसरी शादी कर रहा तुम्हारा दिल दुख गया? ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है सुल्तान तुम्हारे और उस्मा के बीच में। रुकैया खाला, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। अभी उठ के चली जाऊंगी तेरे निकाह में से। फिरोज तुम क्या देख रहे हो भाई, तस्वीरें खींचो, दुल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हुए, खींचो तस्वीरें खींचो। अरे आप हाथ तो उठा यार। नहीं, मैं तो दुआ देने के लिए हाथ रख रहा था। खैर ये वाला पोस्ट अजीब आ रही है यार, मतलब अजीब सा फ्रेम आ रहा है यार। अरे भाई अब्दुल्ला की शक्ल ही ऐसी तो मजा कैसे है। अरे नहीं यार, आप बीच में क्या करें, आप बीच में। हाँ हाँ इधर आ जाओ सुल्तान, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ये चप्पल आपकी नहीं है? असल में दुल्हन के ड्रेस से मैच कर रही थी ना, तो हमने एक्सचेंज कर ली। यार अजीब बात कर, मतलब 50 लाख का आपने चंदा दे दिया मगर 8,000 की शॉपिंग आप नहीं कर सके यार। छोड़ो इन फजूल बातों में क्या रखा हुआ है, आप पिक्चर लो जल्दी जल्दी, अच्छी अच्छी पिक्चर ले लो आप पिक्चर। ये कैसी शादी हो रही है, ना दुल्हन की तरफ से कोई आया है, ना निकाह कुआं है, ना छुआरे, शादी करवा रहे हैं, ये फ्रॉड है ये। ए लड़की जबान संभाल के बात करो, जबान के आगे खंडक है, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अरे लड़की के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ और सुल्तान के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, और इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि शादी ऑनलाइन हो रही है। लेकिन लड़का लड़की तो यहाँ पर है, ऑनलाइन किस बात की? काजी साहब ऑनलाइन है ना। अरे जल्दी करे ना, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है। करते आप फिरोज, अब बेटा तस्वीरें खींच गई है? हाँ खींच गई। मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी। हाँ मैं कर दूंगा यार। अरे अभी कर दो भाई, हाथ के हाथ। अरे कर दूंगा थोड़ी देर। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दो तो कर दो, अभी कर दो। अच्छा यार कर रहा हूँ यार, लो भेज। देखो सुन रहा, प्यारे लग रहा। अरे हटाए इसको और जल्दी से काजी को बुलवाए, निकाह में देर हो रही है भाई। एक मिनट कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ, नंबर बिजी जा रहा है। शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब कैसे नहीं हो सकती शादी, कौन रोकेगा? अरे अपने बाबा, सब हाथ ऊपर करे, तुम भी ऊपर। ये क्या इतने मर्दाना हाथ? अरे दुल्हन के हाथ तो नीचे कराओ, असल में लेडीज रेसलर है ना, इसलिए थोड़े सख्त था। क्या हो गया आपको, आप मेरी शादी रेसलर से करवा रहे हैं? अरे भाई इंटरनेशनल एथलीट है, इस तरह से सोचो, ओलंपिक में जाएगी तो गोल्ड मेडल लेकर आएगी, तुम्हारा और मुल्क का नाम रोशन करेगी। लड़की उठो। शरी बेटा सही नहीं कर रहे तुम। अब तुम चुप हो जाओ, बीच में नहीं बोलना वरना यही ठोक दूंगा तुम्हें। अरे शरी गलत करो, शरी मेरी बात सुनो बेटा। अब तुम कुछ नहीं बोलो और टकला थोड़ी चुप। उठो ये लड़की, मेरी दोनों कहाँ लेके जा रहे हो? रोक लेता, रोक के किसी तरह से भी रोके उसको। अरे सुल्तान तुम मत जाना, सुल्तान ने गोली मार देगा। अरे सुल्तान ने गोली मार देगा। अरे शरीर के सर पे खून सवार सुल्तान ने। बुड्ढे साले, हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं, बुड्ढा बोल रहा है, हमें ही बुड्ढा बोल रहा है, हमें ही बुड्ढा बोल रहा है। शादी करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? सुल्तान से करोगी? मुझसे करोगी? अबे मुझमें ऐसी क्या कमी है? मेरा चेहरा तो देखो फिर पता।